सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। माई नेम इज मैक एंड यू वॉचिंग मैक चेरी ब्लॉग्स। सो टुडे कंटेंट इज बेस्ड ऑन वेल क्लियरेंस एडजस्टमेंट एंड दिस इज अ बाइक विच वी आर डूइंग वेल क्लियरेंस एंड इट इज अपाचे 180 RTR 2014 मॉडल एंड टू डबल टेक्स वेरियंट। सो दिस इज एन ऑफ कैटलॉग रीडिंग। द रनिंग अप्रॉक्सीमेटली इज 1,37,040 किलोमीटर्स। इट इज़ यू नो वेरी ओल्ड बाइक, 14 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वेल क्लियरेंस एंड देन वी कंटिन्यू द प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अब हम टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है टूल्स। सबसे पहले ये किट है, आपको काफ़ी वीडियो में दिखाया, यूजेबल किट है ये। फिर आपको थोड़ा सैंड पेपर चाहिए, 400 या 600 का यूज़ कर सकते हैं। मैं 600 और 80 ग्रेड का थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक एडजस्टेबल प्लायर यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रू ड्राइवर कर रहा हूँ, 4 हेड एंड 2 हेड स्क्रू ड्राइवर विद मैग्नेट टिप। और ये 17mm का सॉकेट प्लस हैंडल यूज़ कर रहा हूँ। एक स्पार्क प्लग ओपनर यूज़ कर रहा हूँ, फिलर गेज यूज़ कर रहा हूँ इन साइज़ का, और एक आपका टैपिट एडजस्टर टूल यूज़ कर रहा हूँ। एक कंटेनर यूज़ करो जिसमें भी अपने सभी स्क्रू जो होंगे हम इस पर कंटेन करके रखेंगे, और एक WD-40 जो आपको पता है काफ़ी यूजेबल चीज़ है। तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, स्टेप के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें साइड का कॉल खोलना है, चाबी को इस डाउन करना है और भाई इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहाँ रख देना है। यहाँ पे आपकी एक वायर है जिसको आपको खींचना है, पुल करके आपको यहाँ पे सीट कवर सीट खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पेट्रोल की जो नॉब है या टी बोलते हैं इसको ऑफ करना है। ये अभी रिजर्व पोजीशन में यहाँ पे ऑफ हो गया है, और इस पाइप को सिंपली बाहर निकाल देना है। और लास्ट चीज़ आपके यहाँ पे ये मैंने जो खोली हुई है, ये आपका फ्यूल गेज इंडिकेशन का सेंसर होता है जो टैंक में रखता है कि आपका कितना मीटर है, कितना फ्यूल है, लेवल है, वो बताता है, इसको खोल देना। इसके बाद आपका यहाँ पे 12mm का ये आपका बोल्ट है, उसको खोलना है, और उसके बाद आपका टैंक स्लाइड होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को करते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। वेल क्लियरेंस एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ ओपन करनी है वो बता देता हूँ आपको। 17mm के स्पैनर से, रिंग स्पैनर से आपको यहाँ से जो टैपेट कवर की कैप है यहाँ पे एग्जॉस्ट की और इंटेक की, इसको ओपन करना है। ऐसे खुलेंगे आपके, ठीक है, और ये ऊपर खुलेगा, ठीक है। और आपका 70mm का यहाँ पे एक बोल्ट है जिससे आप मैग्नेट की प्लेसमेंट देखेंगे, ये आपका जो खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा। और यहाँ पे आपका 10mm की एरिंग की लगी एंटी ग्लोवर्स खोलोगे ये ढीला हो जाएगा, ठीक है, इसमें जोर ना रहे कि कट जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को खोल लेता हूँ और फिर इसके एडजस्टमेंट में काम करते हैं। दोस्तों, हमने सब कैप वगैरह जो उसके टैपेट कैप है और आपकी मैग्नेट में 17mm का यहाँ पे जो नट बोल्ट होता है ये खोल दिया है, और आपका यहाँ पे 10mm के एलन की से ये कैप खोलेगी वो भी खोल दिया। अब आपको टाइमिंग मिलाने की, क्या आपको यहाँ मैग्नेट में टी की मार्किंग लिखी रहती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, टी दिख रहा होगा आपको। तो टी मतलब आपका पिस्टन TDC में है, और आपको TDC में रखना है कंप्रेशन स्ट्रोक में, जब आपके इनटेक और एग्जॉस्ट के वेल बंद हैं और कैमशाफ्ट उसको पुश नहीं कर रही है। अब देखो, यहाँ टी की लाइन सी भी दिख रही होगी आपको, इस लाइन पे TDC नहीं होगा आपका, आपको टी पे करना है TDC, ठीक है। ये आपका पिस्टन टॉप में हो गया, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे रॉकर है, पुश रॉड है, या फॉलोअर बोलते हैं जिसको हम, इसमें आपको प्ले देखनी है। अरे, हल्की प्ले आ रही है इसमें, ढीलापन है, और इस वाले जो एग्जॉस्ट वाले में ढीलापन है आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं सेकेंडरी एक्सटेंशन। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो कैम है वो रॉकर को पुश नहीं कर रही है, वो एक न्यूट्रल पोजिशन में, इसका मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में। दूसरा एक और, आपको अगर कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप स्पार्क प्लग को खोल के पिस्टन की पोजीशन भी चेक कर सकते हो। तो उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ मैंने स्पार्क प्लग खोल के रखा था, ठीक है, स्पार्क प्लग खोल दिया मैंने। अब आपको ये दिखाना तो मुश्किल होगा कि यहाँ तक अंदर आप देख पाओगे, पर ये है कि आपका पिस्टन ये अभी TDC में है, ये ऊपर है, इसलिए ये ऊपर आ पा रहा है। और अगर ये TDC में नहीं होता तो ये पूरा ये जो पेज का सेमे रहा है, ये पिन पेज का, ये अंदर तक चले जाता। इससे हमें एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा पिस्टन अभी TDC में है और हमारी कैम अभी न्यूट्रल पोजीशन मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में, वो अभी किसी भी आपके वेल या फॉलोअर को पुश नहीं कर रही है। और हमें हमारा जो हमें जो करना है, हमें यही चीज़ करनी है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में आपको रखना है TDC पिस्टन को। तो हमने इसको सेट कर दिया है, आपको मैंने टाइमिंग बता दिया कैसे करना है। अब इसको हम खोल के इसकी फिलर की मदद से इसको सेट करना है।
तो इनटेक की जो आपकी वेल क्रेज कंपनी रिकमेंड करती है जो मिडिल वैल्यू बता रही है 0.06 बता रही है इनटेक के लिए, और एग्जॉस्ट के लिए 0.08 एमएम बता रही है, तो उसी में हम सेट करते हैं। और अभी पहले देखते हैं कि कितने इसकी रेंज आ रही है, क्या रेंज आउट है या टाइट है, उसको सेट करेंगे और आपसे फिर इसकी ट्यूनिंग करेंगे कार्बोरेटर के बाद। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इसकी टॉलरेंस चेक कर रहे हैं, और एक गुड इंजीनियर जो होगा वो हमेशा आपके स्पेसिफिकेशन को चेक करेगा एडजस्ट करने से पहले। अगर स्पेसिफिकेशन आउट होगी आपकी वैल्यू तभी आप उसको एडजस्टमेंट करो, और अगर आपकी रेंज के अंदर है तब उसको ना छेड़ें, ठीक है। अब आपको मैं बता दूँ मैकेनिक लोग क्या करते हैं। मैकेनिक लोग ने आप यहाँ पे देख पा रहे होगी 0.5 एम की इसमें एडजस्टमेंट करी हुई है, कंपनी बोलती है 0.06 एम, ठीक है, या 0.06 एम इनटेक की, और यही इसने एडजस्टमेंट आपके एग्जॉस्ट में भी करी हुई। अब मैं क्या करूँ, आपको थोड़ा सा खेद है वीडियो में, चूँकि यहाँ पर ना इतना नैरो एरिया है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता कि फिलर गेज डाल के ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह नहीं है, लीवरेज नहीं मिल रहा मुझे। तो हमने जी देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये 0.05 एम की जो पत्ती है ये फिलर गेज की, ये इसमें जा रही है, और कंपनी बोलती है 0.06 एम इनटेक में और 0.08 एग्जॉस्ट में, ठीक है। तो उसने दोनों ही 0.05 एम इनटेक और एग्जॉस्ट में करी है, और आपको ये पता होगा कि एग्जॉस्ट हेड के जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है कंपैरेटिवली इनटेक में, तो इसलिए कंपनी क्या बोलती है इंजीनियर, इसलिए स्पेसिफिकेशन हमेशा एग्जॉस्ट हेड की ज़्यादा होती है और इनटेक की थोड़ी सी कम होती है। तो उसको आपको मैं थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए बताता हूँ कि कंपनी आपको क्या बोलती है, ठीक है। ये कंपनी का ओरिजिनल रिपेयर मैनुअल है, उसमें कंपनी ने जो आपको क्लियरेंस दी हुई है वो ये दी हुई है कि अगर इनटेक में 0.06 स्टैंडर्ड रखा है इतने में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 0.08 एमएम आ जाए तो आपको इसको सेट करना है या ज़्यादा हो जाए। अब हमारे केस में क्या है, इसने कम कर दिया इसलिए गाड़ी घुट रही थी हमारी। एग्जॉस्ट के इसमें केस में क्या है 0.08 एमएम है, और सर्विस लिमिट बताइए कंपनी ने 0.10 एमएम, हमारी केस में क्या है 0.05 एमएम है, तो मतलब आपके स्टैंडर्ड वैल्यू से भी कम उसने क्लियरेंस खत रखी हुई है। तो इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस, आइडलिंग इशू, आरपीएम का अटकना, गाड़ी का बंद हो जाना, घुटना, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग ना होना, माइलेज का ड्रॉप होना, गाड़ी हीट होना, ये सब इसी के कारण होते हैं। तो ये होती तो बहुत छोटी चीज़ है पर ये काफ़ी क्रूशल चीज़ होती है इंजन के परफॉर्मेंस के लिए और लाइफ के लिए। तो अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ये टूल दिखाया था, इसको बोलते हैं टैप इट होल्डर टूल या एडजस्टर टूल। ये सिंपली यहाँ लगता है, अगर आप यहाँ फोकस कर पाओ, ये जो आपकी टिप है इसमें फोकस हो जाता है, इसमें टच हो जाता है, देखो इसको लॉक करेगा ऐसे, ठीक है। अब हमें ये जो टिप है इसको होल्ड करना है इससे, और ये जो है 9 mm का स्पैनर यूज़ होगा इससे होगा, और ऐसे अगर हम टाइट करना है तो उसको इस तरीके से टाइट करेंगे, इस तरह से खुलेगा, और इस तरह से करेंगे तो टैपिट कम होगा एडजस्टमेंट, और इस तरह से क्लियरेंस बढ़ेगी। तो यही सिद्धांत है इसका, और यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा। अब 0.06 mm इसका एडजस्ट करते हैं और 0.08 mm एग्जॉस्ट का करते हैं, फिर सेट करते हैं इसको, फिर आगे मिलता है। दोस्तों हमने जो स्पेसिफिकेशन थी जो कंपनी रिकमेंड करती है उसी स्पेसिफिकेशन में हमने सेट कर दिया है, और इनटेक का हमारा 0.06 एमएम करा है, 0.08 एग्जॉस्ट का करा है। तो ये हमारा ये देख पा रहे होगा आप फिलर के डाल के, मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा आराम से जा रहा है, आपको एक साउंड आ रही है हल्की सी, तो ये ड्रैग की आवाज़ है और इतना ही ड्रैग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इनटेक का हो गया है, और एग्जॉस्ट का काफ़ी वहाँ पे लीवरेज नहीं दिखाने का, फिर मैं कोशिश करूँ। तो दोस्तों अब हम एग्जॉस्ट साइड पे आ गए हैं जो हमारा साइलेंसर साइड होता है, तो ये हमने 0.08 एमएम की पत्ती लगाई है इसमें, और इसमें आप देख रहे हो आपको हल्का फील आ रही होगी, आवाज़ से आ रही होगी साउंड, तो ये हल्के ड्रैग की साउंड है, और ऐसी ड्रैग होना चाहिए, मॉडरेट ड्रैग बोलते थे हम, ज़्यादा ड्रैग नहीं मतलब टाइट हो जाएगा, हल्का ड्रैग होना चाहिए निकालने और जाने में, ठीक है। तो ये हमारा आपका 0.08 एमएम एग्जॉस्ट का, 0.06 इनटेक का हो गया सेट। अब हमने इसको एक बार और 360 क्रैंक रोटेशन के करने के बाद, मतलब पूरा फोर स्ट्रोक के बाद दोबारा स्पेसिफिकेशन को देखेंगे कि उसी हमारे स्पेक्स में आ रही है, अगर आ रही है तो हम उसको पैक करके इंजन के फिर ट्यूनिंग वगैरह बाकी कार्बोरेटर की करेंगे, ठीक है। हमारे केस में हमने इसको पहले 360 रोटेट करके चेक कर चुके हैं। अब उसके बाद कभी भी आप टैपिट सेट करें या कार्बोरेटर सेट करें, एक चीज़ टिप्स बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट,
टैपेट सेट होने के बाद ही आपके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सही होती है। अगर आप शायद ऐसी ही ट्यूनिंग करने जाओगे तो आपके कार्बोरेटर अच्छे से ट्यून नहीं हो पाएगा। और हम क्या करेंगे, इसका कार्बोरेटर क्लीन करके, जेट क्लीन करके इसको लगाएंगे और उसकी ट्यूनिंग करेंगे। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे कि गाड़ी कैसे आइडल हो रही है, कैसे भग रही है। तो हमने सब कुछ जो कैप वगैरह थी लगा दी है, टैपेट कैप की, यहाँ पर 70 mm का बोल्ट और आपका यहाँ पे 10 mm के जो LNK से जिसका कैप है वो भी लगा दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपका जो स्पार्क प्लग है उसका गैप भी आपको मेंटेन करना होता है। कंपनी में अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। एवरेज आप मान के लो 0.60 से लेके 0.95 तक लेके चलो या 1 mm तक लेके चलो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर गैप कम होगा तो स्पार्क जनरेट कम होगा और गाड़ी मिस मारेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो तब भी स्पार्क कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी जो है आपकी, इसका गैप जो है वो दूर हो जाएगा। अब आपको ऑप्टिमम रखना है इसको, मेरे हिसाब से 0.70 या 0.60 के आसपास रखो, 80 के आसपास रखो, आपका सेट चलेगा। तो हम उसको सेट कर रहे हैं अभी 0.60 की। मैं पत्ती यूज़ कर रहा हूँ उसकी, फिलर गेज की, ठीक है, स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ और ये अभी इसमें आ नहीं रही है, ठीक है। अब मुझे इसमें गैप बनाना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करता हूँ और फिर स्पार्क प्लग गाड़ी में लगाते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो दोस्तों अभी मैं स्पार्क प्लग का गैप मैंने सेट कर दिया है और साथ में स्पार्क प्लग को मैं फाइन रेगमाल से क्लीन कर रहा हूँ और क्लीन करके लगा देता हूँ। साथ में हम कार्बोरेटर के जेट भी क्लीन कर देंगे और इसकी डिटेल वीडियो कभी हम और बनाएंगे। तो इन चीज़ों को मैं टाइमलेस में दिखाता हूँ और आगे फिर गाड़ी की स्टार्टिंग देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों हमने सब कुछ पैक कर दिया है, टैपेट की सेटिंग कर दी है और अभी हमने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग नहीं करी है क्योंकि तो गर्म करके करेंगे। अभी आपको नॉर्मल इंजन के वो स्टार्टिंग दिखा देते हैं कि इंजन स्टार्ट कैसे है, अभी इसकी सेटिंग नहीं करी हमने। अभी आप सुन रहे हो गए, देखो आपकी यहाँ पे टैपेट की साउंड नहीं आ रही होगी, टैपेट की साउंड नहीं आएगी, कर्रा पड़ रही है और साउंड जो हमारी पहले आ रही है वो नहीं आ रही पहले। अभी तेल के साथ हवा मांग रही है, हवा जा रही है। इसका कार्बोरेटर ट्यून कर दिया है और इसकी वेल क्लीयरेंस भी एडजस्ट कर दी थी। तो हमारा जो कंक्लूजन है वीडियो का ये कि 1,37,000 नीचे गाड़ी चल गई है। तो इसके जो कार्बोरेटर की स्लाइड थी वो भी हल्की कटी हुई थी, वो अटक के चल रही थी, उसके वजह से गाड़ी कभी ओवर रेस हो रही है, एक करेक्ट रिदम पे नहीं चल रही है इतनी ट्यूनिंग करने के बाद। और वेल्व की क्लीयरेंस हमने सेट कर दिया। दो चीज़ हो सकती हैं इस कारण के, ये हो सकती है कि आपके वेल्व की कोई लीक है या इनटेक एग्जॉस्ट का कोई भी लीक होता है। अगर वो हल्का लीक है तो गर्म होकर गाड़ी आपकी ओवर रेस करेगी, आइडलिंग नहीं होगी ढंग से। उस हिसाब से भी हमने थोड़ा बहुत ट्यून करके अपने चलने लायक, आगे फ्यूचर में इस गाड़ी को हम रीबिल्ड करेंगे इसके इंजन हेड को निकाल के और कार्बोरेटर चेंज करके। तब तक के लिए हमने इतना सेट कर दिया कि अच्छे से स्टार्ट हो जाए और ठीक ठाक माइलेज दे दे इसके अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा हम इसको ट्यून नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये बेस्ट है, इससे ट्यून से ज़्यादा ट्यून नहीं, क्योंकि गाड़ी के वेल्व या कार्बोरेटर में दोनों में प्रॉब्लम है, इस कारण से इसको ज़्यादा ट्यून नहीं हो सकता। मैक्सिमम ट्यून जो और एफिशिएंट ट्यून में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी गाड़ी की एक डिटेल वीडियो थी, ठीक है। और आगे जाके फ्यूचर में हम इसके हेड में और इसके इंजन रीबिल्ड करेंगे घर में, उसकी भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।